दोस्तों, क्या आपका भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है? डैंड्रफ की समस्या आप फेस कर रहे हैं? आपके बाल पहले से बहुत ज्यादा बेजान और रूखे सूखे हो गए हैं या फिर समय से पहले सफेद हो रहे हैं? अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आज का मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक रेमेडी और कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट जो आपकी सारी प्रॉब्लम को खत्म करके आपके बालों को लंबा घना बनाएंगे, और ना सिर्फ लंबा घना बल्कि जो आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं उन्हें भी काला करेंगे। तो देरी किस बात की, फॉलो करिए, ध्यान से सुनिए और जमकर शेयर करिएगा, क्योंकि ये हेयर्स की प्रॉब्लम आजकल के टाइम में हर किसी को फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करनी है। सबसे पहले चीज, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपके हेयर फॉल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और आपकी सारी हेयर्स की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज, आपके बॉडी में कमी हो जाती है न्यूट्रिशंस की। आपको इसके लिए लेना है हेल्दी डाइट, तो आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी और आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, आपके बाल अच्छे ग्रोथ करेंगे। तीसरी चीज, आपको पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना है, जिससे आपके जो सर का है पीएच लेवल आपकी बॉडी का मेंटेन रहे और आपके बाल जल्दी जल्दी ग्रो कर सके और नेचुरली शाइन आ सके उनमें। जब भी अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं या फिर कहीं मिट्टी वाले एरिया पे जा रहे हैं, तो दुपट्टे से अपने बालों को जरूर कवर करें, क्योंकि ज्यादा धूप से भी हमारा हेयर फॉल होता है, हमारा स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और साथ में अगर धूल मिट्टी लगती है तो वो भी हमारे बालों को डैमेज करती है। तो इन टिप्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली आप अपनी अच्छी ग्रोथ पा पाएंगे। अब बात आ जाती है प्रेशर पॉइंट की। सबसे पहला प्रेशर पॉइंट है, आपको अपने सर के इस एरिया में प्रेशर देना है। यहाँ पर जब आप प्रेशर देते हैं तो आपके जो बालों की जो लेयर है, जो डेड हो चुके हैं बिल्कुल स्कैल्प में से, जो ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, वो आपके बाल ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके जो बाल सफेद हो गए हैं वो काले हो जाएंगे, आपके बालों को एक नई जान मिलेगी और उनका पीएच लेवल भी मेंटेन रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रेशर देना है। दूसरा प्रेशर पॉइंट है, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर के ये जो आपका ये नेल है इसके नीचे, स्किन के नीचे, आपको इस एरिया में प्रेशर देना है कम से कम 20 बार, और ऐसा आपको पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 दफा करना है। इसके साथ बारी आती है हमारी तीसरी एक्सरसाइज की, जो हमें करने हैं अपने नेल्स को रब। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से चिट चैट कर रहे हैं, मतलब किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्पेस, तो भी आप इसको फॉलो करें। बिल्कुल मत घबराएं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब आपके बाल अच्छे हो जाएंगे तो डेफिनेटली वही लोग जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या कहेंगे, वही आपसे आके पूछेंगे कि आपके बाल पहले ग्रो नहीं कर रहे थे और अब ग्रो कर रहे हैं, तो क्या रीजन है उसका। तो इस तरीके से अपने नेल्स को हमेशा रब करते रहें, इससे आपके बाल सफेद भी नहीं होंगे, आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बारी आती है बहुत ही आसान सी रेमेडी की, जिसको आपको फॉलो करना है। आपको अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है जैतून का तेल, उसमें ऐड करना है 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इजीली आपको किसी भी आपके आसपास के परचून की दुकान से इजीली मिल जाएगा आपको, या किसी आप मॉल में जाके ले सकते हैं। तो ये आपको क्या करता है, आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है, आपके डैंड्रफ को खत्म करता है। प्रॉब्लम क्या होती जा रही है कि ऑयलिंग इतना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, लेकिन हम आजकल बहुत तरह के ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं, पार्लर जाकर स्पास भी करवा लेते हैं, हेयर स्पा, केराटिन, लेकिन हम अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते। तो जब ऑयलिंग नहीं करते तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, हमारे बालों को पोषण नहीं मिल पाता और वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट की जगह आप नेचुरली ऑयलिंग अगर करेंगे, 1 महीना लगातार करें, आपको खुद अपने अंदर डिफरेंस फील हो जाएगा। जो आपको प्रेशर पॉइंट बताए हैं वो फॉलो करें और आप ये ऑयलिंग करें। हफ्ते में 2 बार आपको करना है। शैम्पू करने से 1 घंटा पहले अपने बालों में ऑयल लगाएं और पॉलिथीन से कवर कर लें ताकि नमी बनी रहे। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप अपने बालों को नॉर्मली रबर बैंड से कवर करके ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 घंटे बाद शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के टाइम आपने ध्यान ये रखना है कि मग में आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें शैम्पू उसको डाइल्यूट करके देन अपने बालों में लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत हेवी क्वांटिटी में अपने बालों में शैम्पू करते हैं, जिससे आपके स्कैल्प बहुत ओवर ड्राई हो जाता है और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, इनको फॉलो करेंगे तो आपको कोई और वीडियो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने रखिए अंदर पेशेंस और इन चीजों को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।